शगुन छोड़ दो। शगुन तुम ठीक हो? नहीं। शगुन शगुन क्या हुआ? शगुन 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 क्या हुआ? शगुन क्या हुआ? शगुन शगुन कौन कौन किससे पकड़ा तुम्हें? शगुन शगुन शायद कुछ आता रहा। शगुन क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? शगुन शगुन मरी 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 शगुन क्या दिखाई दे रहा? शगुन मणि को कौन मार रहा? शगुन 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 क्या दिखा तुमने? ठीक हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा 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 आप लोग यहाँ? मैं तो बेटा आप आके स्कूल से उसे डेयर स्कूल लिसन मैं यहाँ कैसे आई? इस कमरे में कौन लाया मुझे? तुम दोनों किसी बिल्डिंग में जा रहे थे ना? मैंने देखा था तुम्हें, मैंने तुम दोनों को फॉलो किया एंड देन सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ। ये सब क्या चल रहा है? तुम वहां पे होश हो गई थी उस बिल्डिंग में या तुम्हें संभाल के यहां तक आया? होश हो गई थी ऐसे कैसे? मैं बेहोश हो गई थी? तुमने ही कुछ किया होगा, ऐसे कैसे मैं अचानक बेहोश हो गया? ये क्यों करेगी ऐसा कुछ? नहीं सुनो, मतलब कि क्यों करेगी? सुनो सुनो तुम्हारी तबीयत खराब है तुम्हें पता है ना, तुम्हें वो बीपी के कारण ही कुछ हुआ होगा और इससे तुम बेहोश हो गई और तुम बेहोशी की हालत में मणि मणि चिल्ला रही थी। ये मणि मणि कौन है? मणि कौन है? मणि ये मैं किसी मणि को नहीं जानती। मैं स्टॉप पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। ये क्या मणि मणि है? क्या ड्रामा चल रहा है तुम दोनों का? व्हाट आर यू गाइस अप टू? दिस इज आई एम वार्निंग यू, बहुत हो गए तुम्हारे गेम्स। ये सब जो तुम लोग मिलके करो ना मुझे सब समझ में आता है, बेवकूफ नहीं हूं मैं। मामा आप इशिता आंटी से ऐसे बात मत करो। शट अप, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बात करना चाहिए रूही, पहले भी सिखाया तुम्हें मैंने। मामा आपको पता है बच्चों को शट अप नहीं बोलते। मुझे सिखाई तो आज के बाद खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाए। मेरी नहीं हमारी। एंड डोंट टीच मी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों का क्या नाटक चल रहा है। आई एम नॉट अ फूल, बेवकूफ मत समझना मुझे तुम दोनों। आज भी कोई फायदा नहीं हुआ, इतना कुछ हो गया उसे रत्ती भर का कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे लगा शायद शायद कोई हिंट शायद कोई साइन देगी वो हमें। रमन रमन आप मत इतना हाई करो, अब पॉजिटिव साइड देखो ना। सपने में नींद में वो तड़प रही थी, यही चिल्ला रही थी मुझे छोड़ो पास मत आओ दूर जाओ। रमन डेफिनेटली उसने मणि के कातिल को देखा है, वही बातें वो रिकलेक्ट कर रही थी राइट? लेकिन होश आने पे तो उसे मणि। फिर भी हमें डॉक्टर से एक बार बात करना चाहिए, शायद उसकी याददाश्त जब वापस आने लगे तो वो बता पाएगी कि मणि का कातिल कौन है। लेकिन एटलीस्ट ये तो तय है कि उसको मालूम है कि कातिल कौन है, हमें ये तो पता लग गया ना। इतनी अकलमंद कैसे हो जाती है बातों बातों में? यू का सर उसके डॉक्टर से बात करते हैं चलो। तुम? हाँ मैं। हाय कैन आई कम इन? या श्योर प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स आई विल बी राइट बैक। Thank you.
अरे वाह, तुम तो काफी अच्छा बजाती हो। I'm so sorry. मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैं गिटार को देख के एक्चुअली मैं भी सिंगर हूं ना, आई मीन सिंगर थी। कहाँ? यहाँ दिल्ली में? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में गाती थी। One second. तुम्हारा नाम रुहान है, राइट? हाँ, रुहान रूही। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो यार। इनफैक्ट मैं तो रुहान का बहुत बड़ा फैन था, आई मीन तुम्हारा, आई मीन अभी भी हूँ। तो गाना क्या छोड़ दिया? वो बहुत लंबी कहानी है। ओके, मत बताओ, बट गाना तो मत छोड़ो यार। एक्चुअली म्यूजिक के साथ ना मेरी थोड़ी बुरी आदतें छुड़ी है। एनीवे, तुम मुझे अपने बारे में बताओ ना। आलिया मुझे बता रही थी कि तुम बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे अपने कॉलेज में, तो अब इवन नाउ यू सिंग? मेरे भी कुछ बुरी यादें जुड़ी रही म्यूजिक से। I'm sorry. खैर, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था मुझसे? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। निखिल, क्या हो गया है? मतलब तुम आलिया से मिल क्यों नहीं रहे हो? उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। वैसे आदिया और मेरे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए। निखिल, I know तुम आदि भैया की वजह से कर रहे हो, बट आई अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन निखिल मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आई नो आदि भैया कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, बट वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आलिया से बहुत प्यार करते हैं। निखिल, वो आलिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आलिया को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते, और आजकल तो तुम्हें पता ही है आलिया को क्या हो गया है, वो कैसे बिहेव कर रही है। इसीलिए आदि भैया तुम्हें बुला रहे थे। रोहित, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं और आलिया सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और पता नहीं आदि क्या क्या सोचता रहता है। सी, मेरी वजह से दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि आलिया की मैरिड लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए मेरी वजह से। सो आई नो निखिल, काम डाउन। आई नो, बट निखिल फिलहाल आदि भैया को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा चलो, तुम आलिया के दोस्त हो ना, तो दोस्ती के खातिर एज अ फ्रेंड तुम जाके उससे मिलोगे, आई एम श्योर शी विल फील बेटर, राइट? निखिल प्लीज, आदि भैया इज रियली स्ट्रेस्ड, प्लीज। ओके, मैं आऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आलिया का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि रूहान ने मुझसे पूछा है, और मैं रूहान को मना नहीं कर सकता। ओके, सो लेट्स जंप। निखिल, यू प्ले द गिटार एंड आई विल सिंग। अरे कम ऑन निखिल, कम ऑन। बट डॉक्टर, हाउ इज इट पॉसिबल? शगुन ने एक पल मनी का नाम लिया और फिर अगले पल उसे कुछ याद नहीं। रिलैक्स मिस्टर भल्ला, ऐसा होता है। शगुन मनी को पूरी तरह से भूली नहीं है, उसकी यादें आज भी उसके जहन में हैं, बस थोड़ा याद करने में उनको मुश्किल हो रही है। एंड इट्स ओके, इट्स अ गुड साइन, प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना। आई एम श्योर उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। डॉक्टर, उसे जल्दी याद आना बहुत जरूरी है। मेरी पूरी फैमिली बहुत सफर कर रही है, एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप नाउ। मिस्टर भल्ला, अब अपनी कोशिश जारी रखिए। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनको जल्दी याद आ जाए। सॉरी इश्मा, मुझे मामा के रूम में आना ही नहीं था, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हमारी पीहू जहाँ भी आती है सब ठीक कर देती है। सच्ची? मुच्ची। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इतने हड़बड़ी में आए थे वहाँ पर, क्या बात थी? कुछ बताना था क्यों? इश्मा, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अपना टिफिन रिया के साथ शेयर किया। रिया? वो बुली उसके साथ? हाँ। वाओ, कैसे, क्या हुआ बताओ? वो अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा मैं उसके साथ टिफिन शेयर कर लूं। इश्मा, आपको पता है अब तो मैं और रिया फ्रेंड्स हैं। रूही दीदी ने मुझे बोला था कि रिया से फ्रेंडशिप कर लो। तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं उससे नहीं डरती, मैं यूं ही उससे डर रही थी। सही बात है, ऐसे कभी किसी से नहीं डरना चाहिए।
अगली बार जो डराए उसे फ्रेंड बना लो, फिर वो डराएगा ही नहीं तुमको, राइट? और ये तुम्हारा मोल पेड हो रहा है, अब तो मोल लगाना नहीं भूलती ना। हाँ इश्मा, जब तक मम्मा ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं रोज मोल लगाऊंगी। रुई दीदी का भी मोल है ना, वैसे मुझे भी मोल लगाना है। तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी पीहू सबसे स्मार्ट है, सब पहले समझ जाती है। चलो अब तुम्हें रेडी करते हैं लंच के लिए। Go change your dress also, हाँ? चलो। हाँ रोमी चाचू, हाँ मेकर चट्टी तो एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी, इनफैक्ट वो तो बैंकॉक की फ्लाइट में बैठ भी गई होंगी। हाँ शायद इसीलिए आपका फोन नहीं लगा होगा। हाँ यहाँ सब ठीक है, इशिमा और बापू जी मिलकर सब संभाल रहे हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ मैं बोल दूंगी बापू जी को कि आपको फोन कर लें। ओके ओके बाय। अरे श्रवु, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, सच अ नाइस जैकेट, वाओ। है ना, किरण आंटी ने गिफ्ट दिया है। बेटा किरण आंटी तो देंगी तुम्हें गिफ्ट, और दिया भी ब्रांडेड है। वैसे तुम उनसे कुछ भी मांग सकते थे, कोई भी महंगी चीज, तो तुम्हें झट से लगे। मैं क्यों मांगूंगा उनसे चीज, और वो मुझे महंगी चीज क्यों देगी? अब प्रभु तुम जाओ, तुम्हें ट्यूशन के लिए लेट हो जाएगी। क्योंकि बेटा बहुत जल्दी वो तुम्हारी मम्मी बनने वाली। मम्मी? क्या बकवास कर रहे हो तुम बच्चे से? बच्चा? अच्छा चलो मान लिया बच्चा, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी मम्मी कौन बनने वाली है। बेटा बहुत जल्दी तुम्हारे पापा किरण आंटी से शादी करने वाले, इसीलिए तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती है ताकि शादी जल्दी हो सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैंने उन्हें दूंगा ये, मेरी अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मेरी बात सुनो, जब आता है कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, नाक पे दम कर रखा है इसने, इसे सबक सिखाना ही होगा। एक मिनट, कहाँ चले जा रहे हैं आप? और आपको तो शगुन जी ने घर से निकाल दिया है ना, वापस क्यों आए हैं? अपना सामान लेने आया। पर वो पर क्या, अपना सामान लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर श्रवु से वो सब बकवास क्यों की आपने? बकवास नहीं की मैंने, सच बोला। वो क्या है ना, झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इतने बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र तो आप है नहीं कि आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और कोई सच नहीं बोला है आपने, सिर्फ आग लगाने की कोशिश करी है। क्या जरूरत है उसे वो सब बोलने की? हाय, तुम औरतें गुस्से में इतनी हसीन लगते। वैसे मुझे दहाड़ती हुई शेरनियां बहुत पसंद है, अब चाहे वो शहरी हो या देसी। वैसे इशिता ने एक काम बहुत अच्छा किया कि तुम्हें अपने पास रख लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम भी कोई कम नहीं हो। उफ, देखा, मैंने टच किया और मुझे करंट लग गया। वैसे रोशनी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द तो है नहीं, तो अगर तुम चाहो तो मेरी छत्र छाया में आ सकती हो। तुम्हारे जैसा बदतमीज और गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इस घर के हर मेंबर ने तुम्हें थप्पड़ लगाए, और आज मैंने भी कसर पूरी कर ली, उसके बाद भी तुम यहीं खड़े हो। बड़े ही बेशरम हो तुम। बेशरम मैं नहीं हूँ, तुम हो, समझी? तुम्हें क्या लगा अगर शगुन मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम मेरा फायदा उठाओगी? ऐसा नहीं होगा, मैं शगुन का था और शगुन का रहूंगा। वो मुझसे गुस्सा है और मैं उसे हर्ट नहीं देख सकता, समझी? तुम इशिता की असिस्टेंट हो ना, जिसे उसने अपने घर में रखा है। इशिता का जब मन होता है वो मेरे घर में आती जाती रहती है, उसे तो मैं टॉलरेट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी असिस्टेंट को भी मैं टॉलरेट करूंगी। लिसन, मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद है, सो प्लीज वापस मेरे घर में नजर मत आना, गेट लॉस्ट। हाँ
कैसी हो? गुस्सा शांत हुआ कि नहीं तुम्हारा? अपना सामान लेने आयो, राइट? सामान लो और निकलो यहाँ से। हर आदमी के दिन बदलते हैं शगुन, और मेरे तो चल रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा। ये नंबर तो उसी वॉचमैन का दिया था ना मुझे इन लोगों ने, ये अभी कैसे? हाँ बनवारी, तुम वापस आ गए हो गांव से? मैं पैसे लेकर आई थी, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, तुम चले कहाँ गए थे अचानक? मैडम जी मेरी बात सुनिए, मेरे पास आधा टीम नहीं है, जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। आप पैसे लेके कहाँ हूँ मैं अभी? आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, बस आप पैसे लेके सुंदरबन पार्क आ जाइए। पर सुंदरबन पार्क क्यों? सवाल जवाब करने का समय नहीं, जो बोल रहा हूँ वहाँ आ जाइए बस। जल्दी से रमन से बात करनी होगी, हम दोनों को निकलना होगा। रमन का फोन भी नहीं लग रहा। आदि, हमारी एनर्जी ड्रिंक का सेल तो डे बाई डे गिरता जा रहा है आदित्य, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ मिस्टर तनेजा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा स्ट्रेस है, मैं इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट आई विल डू इट। यार आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग यार, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिजनेस इग्नोर करें। पर्सनल प्रॉब्लम सबको होती है, पर उसका असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर तनेजा, प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अपना ध्यान काम पर लगाओ आदित्य, नहीं तो ये सब कुछ चौपट हो जाएगा। अरे हो जाए सब कुछ चौपट मिस्टर तनेजा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली है, दैट्स इट। अरे तो बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? घर पे बैठना था तुम्हें। एक्सक्यूज मी। हाँ शमा। आदि सुनो, वो मैं ना मणि के बिल्डिंग का जो वॉचमैन है ना, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, ठीक है? क्या आप मनी अंकल के बिल्डिंग के वॉचमैन से मिलने जा रहे हो? लेकिन क्यों इशमा? आदि वो मुझे मर्डरर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। मर्डर के बारे में? इशमा उसे क्या पता? उसे पता है आप कहाँ मिलने जा रहे हो? मैं भी आ जाता हूँ। आदि उसने मुझे सुंदरबन पार्क बुलाया है, ठीक है? मैं निकल रही हूँ यहाँ से अभी, ठीक है? सुंदरबन पार्क, ठीक है मैं आ रहा हूँ इशमा। आदि प्लीज तुम वहाँ मत आना, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम वहाँ आओगे और उसने फिर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो? प्लीज तुम वहाँ मत आओ, ठीक है? अच्छा ठीक है इशमा, मैं थोड़ा दूर रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे आना है, ठीक है? मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, आप ध्यान रखना अपना, ओके? ठीक है, दूर ही रहना तुम वहाँ पे, ओके? ठीक है, बाय। इशमा को मुझ पे इतना भरोसा क्यों? ऐसा क्या बताने वाला है इशमा को? उसका फोन भी नहीं लग रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं जाती हूँ। पुलिस? चलिए हटिए हटिए, चलिए हटिए, अरे आगे से हटिए। ये बटन? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।